الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء

में दो जुमों की जिम्मेदारी मेरे पास रहा करेगी इन महीने का दूसरा और चौथा जुमा और जो महीने का पहला और तीसरा जुमा है वो कुरान एकेडमी मॉडल टाउन लाहौर में जो है वहाँ पर इन ज़िम्मेदारी का सिलसिला रहेगा गुज़त जुमे से हमने पाकिस्तान भर में एक तीन हफ्तों पर मुश्तमिलसदाद सूद मुहिम का आगाज़ किया है गुजशत जुमे मेरा खिताब आ, रहा कुरान अकेडमी लाहौर में वहाँ इसके अगराज मकासद और इसका पस मंज़र बयान किया गया और यहाँ मस्जिद जामा कुरान कुरान अकैडमी में हमारे मोहतरम भाई डॉक्टर रियाज साहब ने ये जो पाकिस्तान में सूद के ख़ात्मे की कोशिशें रही हैं अदालती सतह पर दीगर एतबार से उसका एक पस मंज़र आपके सामने रखा क्योंकि ये मुहिम का सिलसिला भी जारी है तो कुछ बातों की तस्कीर और याद दहानी भी ज़रूरी है अलबत् एक फ़ौरी नौयीत का मामला भी पूरे मुल्क में दरपेश है कि जो बा, शदीद बारिशों की वजह से और सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई और जिस क़दर बड़े पैमाने पर एक तबाही आई है अल्लाह ताली आफियात का सलामती का मामला अता फ़रमाए यकीन उस पर भी कलाम करना ज़रूरी है तो आज की गुफ्तु के बुनियादी तौर तो पर तकरीबा तीन हिस्से हैं पहले हिस्से में मैं चाहूँगा कि इस इंसदाद सूद मुहिम के तसलसल में ही हम आपके सामने याद दिहानी और तस्कर के तौर पर क़रानी हकीम की चंद व आयात जो सूद की हरमत के हवाले से आई हैं उनका तर्जमा रख दिया जाए मुख्तर दो तीन नुकते उसमें आ जाएंगे इन शाह यानी उनकी तफसील मकसूद नहीं उनकी तजीर मकसूद है उनकी याद दहानी मकसूद है अल्लाह के नबी सुमे का जुमे का खुतबा जो हुआ करता था नबी दाऊत में इसकी रिवायत मौजूद है कि कान यकुर आन के रास अल्लाह के नबी आल्लम जुमे के खुतबे में क़ुरान पढ़ते थे और लोगों को तस्कीर फरमाते थे नसीहत फरमाए करते थे तो ये भी एक हम लोगों से कि जिनके पास जिम्मेदारी मम्बर रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान हकीम की तरह मुतव करना अपने आप को लोगों को तो चंद आयात कुरानी हकीमी कुरानी हकीम उनका तर्जुम और चंद अहद से मुबारक उनका तर्जु मैं आपके सामने रख दूंगा ये तो तस्खीर का पहला पहलू हो जाएगा आज की गुफ्तुओं में दूसरा हिस्सा गुफ्तु का ये है कि जो बड़े पैमाने पर सैलाब की कैफियत पैदा हुई तबाही आई है यानी बाज़ मरतबा ऐसी ऐसी पिक्चर्स लोगों ने शेयर कर रखी हैं कि जो मुनासिब नहीं है यानी लाश की बेहरमती करना भी मना है ना तो इस तरह की कैफियात के साथ उनको शेयर करना भी कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन बहरहाल पूरी पूरी, पूरी बस्सियाँ उजड़ गई हैं वो अपनी जगह हुकूमतों के नााहली वगैरह अपनी जगह पर एक मसला है लेकिन मजमू एतबार से पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो जेर आब आ चुका है इसके हवाले से भी बहरहाल अल्लाह के दीन में रहनुमाई मौजूद है कुरानी हकीम में रहनुमाई मौजूद है कि ये कैफ़िया क्यों आया करती हैं तो कुछ आयात कुरानी हकीम की इन हालात के हवाले से भी याद दिहानी के तौर पर हमारे सामने इन शह आएँगी और तीसरी बात ये कि हमारे करने का काम क्या है मैं और आप बड़े आराम से अपने घरों में बैठे मैं भी अपने बच्चों को कल समझा रहा था रात को बैठ कर कि बेटा हमारे घर तो पक्के हैं खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं कोई मसला ही नहीं है रूटीन की लाइफ हमारी गुजर रही स्कूल बंद तो और बच्चे मजे कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं बेटा उनके बारे में जरा सोचो हम बड़े भी उनके बारे में सोचें जिनके घर ही उजड़ चुके हैं तो बहरहाल कोई एहसास तो हमारे दिलों में हो उसके हवाले से चंद बातें कि अपने ताल्लुक से शुकर का पहलू और दूसरे के लिए सबर के पहलू की तलखीन का मामला भी और जिन लोगों को बहर हाल इस वक्त बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है तो हम अपना हिस्सा उसमें डालने की कोशिश करें आखिरी हिस्सा गुफ्तु का इसी तालुक से होगा जिस पर हम तवज्जो करेंगे इन तो आज की गुफ्तु का पहला हिस्सा आयात कुरानी जिनमें सूद की हरमत का तस्करा हमें मिलता है आप और हम जानते हैं कुरानी हकीम में यह उसूब अल्लाह तला ने इख्तियार एक दिन में तो कुरान पाक ना हुआ तेईस बरस में कम उश इसका नजूल हुआ तो शरीय के अहकाम तदरीजन भी आए हैं रफ्ता रफ्तार ग्रेजुअली शराब की हरमत है दो तीन मकाम पर उसका जिक्र करने के बाद आखिरी हरमत का जिक्र आया इसी तरह सूद का मामला है जो उस माशरे में भी जब नबी अक्रम सला वसम की बेसत हुई या मबरूफ किए गए रसूल बनाकर भेजे गए उस वक्त भी सूद के मामला थे तो तफसील से अल्लाह ताला ने आयात कुरानी ग्रेजुअली अता फ़रमाई और फिर अल्लाह के रसूल सलाम ने भी तस्करा फरमाया लेकिन जैसे कि मैंने अर्स इस, इस वक्त मकसद इन आयात की तशरी नहीं है तफसीर तो बड़ा भारी लफ्ज़ हो जाएगा बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा इस मौके पर इन आयात की याद दहानी मकसूद है हमारे यहाँ बहुत अरसे पहले एक किताबचा शाया हुआ यहीं हमारे उस्ताद इंजी जी नवीद अहमद साहब अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए डॉक्टर इसराज साहब के बड़े प्यारे शागर्दों में से तो उन्होंने ये किताबचा मुरतब किया था कुछ मुझे भी अलहमदिल्ला उनके साथ काम करने का मौका मिला था जब ये नाइनटी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीय अपलेंट बेंच का डिसीजन आया था और उसके बाद जनरल मुशरफ के दौर में बेंच बदला गया और ये फैसला भी कलदम हो गया यूं यूँ कहिए कि इसको रेफर बैक कर दिया गया फेडरल शरीयत की कोर्ट की तरफ तो जब 2002 में यह मामला मुशरफ साहब के दौर में हुआ तो यहीं पर हमारे एक इज्त था उससे कबल हमने इसकी प्रेजेंटेशन तैयार तो करनी थी बाद में उसी को किताबचे की शक्ल दी गई तो यहाँ कराची में अंजुमन ख़ुदाम कुरान सिन कराची के तहत ये किताबचा शायद होता है सूद उसकी हरमत खबासतें यानी जो सवालात हैं उनके जवाब तो ये बहुत कीमती एक डॉक्यूमेंट है हमारी वेबसाइट कुरान अकेडमी डॉट कॉम वहाँ पर भी मौजूद इसी तरह जो तंजीम इस्लामी की वेबसाइट है तंजीम डॉट ओ आर जी वहां पर भी इंसदा सूद मुहिम के हवाले से बहुत सारा मवाद मौजूद है जो लोग भी वैसे तो स्मार्टफोन अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल लेकिन जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं और ये मवाद दूसरों को शेयर करना चाहें तो हमारी दोनों वेबसाइट्स कुरान अकेडमी डॉट कॉम ये अंजुम ख़ुदाम खुदाम कुरान सिन कराची की है और तनजीम डॉट ओ आर जी ये तंजीम इस्लामी कीफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी किताब चाह आपको इन शाह मिल जाएगा इसी में से एक तरतीब नजूल के अतबार से जो आयात का नजूल हुआ उनमें सबसे पहले मक्की दौर में बहुत अहम नुकता है सूद की हरमत के आखिरी अहकाम तो मदनी दौर में आए और आप और हम जानते हैं कि शरीयत के कई अहकाम मदनी दौर में आए हैं मक्की दौर में मक्की सूरतों में ईमानियात का बयान है तोहेद के दलायल हैं अम्बिया रसुल की दास्तान और वाक़ात हैं और आखरत की फ़िक्र है एतराजात के जवाब हैं शिरक की नफी ये मौजूद कुछ अखलाकी हदयात और चंद अहकाम लेकिन मदनी दौर में आएंगे तो वहाँ कताल फीस सभी हिजरत का तस्करा कता फीस सभी निफाक के मौजूद का बयान शरीय के अहकाम इबादात से मुतल मामला से माशरे से मुल्ल फैमिली लाइफ से मुतक घरेलू जिंदगी से मुतिक मीशत से मुतल वो मदनी दौर में अहकाम आए अलबतः इस सूद की हरमत की तरफ तोज्ह दिलाने के लिए पहली आयत ये सूर रूम की आयत नंबर उनतालीस है

बाहिर क्या होता है कुछ किसी ने किसी को लाख रुपए दिया दस फीसद सूद पर वापस कितना मिलेगा एक लाख दस अल्लाह कहते नहीं ये कम हो रहा है और किसी के पास लाख रुपया हो ढाई फीसद जक़ात दे दे तो ढाई हजार निकल गया कितना बचा साढ़े सत्तानवे हजार कम हुआ ना अल्लाह कहते नहीं ये बढ़ गया और अल्लाह के रसूल भी ये फरमाते सल्लाम अकल कहती रहे मेर मगर मेरा और आपका रब और मेरे और आपके रसूल क्या फरमाते सूद का मामला तबाही के सिवा कुछ नहीं और ज़कवा तो सदका से माल कभी कम नहीं होते तफसील का मौका नहीं आगे बहुत सारी आयात हैं। दूसरा मौका है सूर्य आलिमरान की आयत नंबर एक सौ तीस इसका नजूल सन तीन हिजरी में यह गजे अहद के मौके का मौका है जब सूर्य आल इमरान का नजूल है तो सूरे आल इमरान 130, मत कहौ। मत कहौ। सूर आलिमरान की आयत नंबर एक सौ तीस फरमाए कि आमता मुफ़ा ए ईमान वालो मत मत खाउ सूद बढ़ता चढ़ता इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं लाख रुपए लो एक महीने बाद एक लाख दस दो महीने बाद एक लाख बीस तीन महीने बाद एक लाख तीस मिसाल के तौर पर ये बढ़ता चढ़ता ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी हरमत आ रही है सन तीन हिजरी में सुराल इमरान आयत नंबर एक सौ तीस में और जो सिंपल इंटरेस्ट है जब भी वापिस करना एक लाख दस वापिस करना वो भी हराम वो जिक्र अभी आगे चलकर सूरतुल बकरा की आयात की रोशनी में आ जाएगा तो ये सुर इमरान आयत नंबर एक सौ तीस सनतीन हिजरी में इसका नजूल या यूह आमनता रेबाफ मुफा एमान वालो मत खाओ सूद बढ़ता चढ़ता व अल्लाह की नाफरमानी से बचो ये बार बार कुरानी हकीम में जहाँ अहकाम आते हैं वहां तखवा का जिक्र आता है खौफ खुदा खौफ खुदा।, खुदा दिल में ना हो तो लोग अल्लाह के कलाम को भी मजाक बना लेते अल्लाह और डट कर सूद के धंधों को जारी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और खौफ खुदा होगा तो सूद तो बड़ी बात है सैदर फरमाते तो छोड़ो रीबा कहीं शक भी आए सूद का उसको भी छोड़ दो जब खौफ खुदा होगा तो शक को भी छोड़ेगा और खौफ खुदा नहीं होगा तो बड़े बड़े हराम आराम से इतक कर लेगा उसका अल्लाह महफूज रखे इसलिए बार बार अहकाम के साथ तकवा का जिक्र व तकुल्लाह और अल्लाह की नाफरमानी ना से बचो लाकुम तुफली ताकि तुम फलाह पा सको नार और बचो उस आग से जो तैयार की गई है काफरों के लिए ये सूद के धंधे कहाँ ले जाएंगे तुम्हे जहन्नम की आग की तरफ अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से भी बचाए और सूद की हर शक्ल से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए तीसरा मकाम सुरतुलिस की आयात एक सौ साठ और एक इसका नजूल पांच हिजरी में है हजरत के पांचवें बरस तरतीब से बात आगे बढ़ रही है सुरनस्सा की आयात एक सौ साठ और एक सौ इकसठ और इसमें यहूद का जिक्र आ रहा है आज दुनिया के मालियाती निजाम और बैंकिंग सिस्टम को सूद के धंधों के जरिए चलाकर अकवाम को हम समेत गुलाम बनाने वालों में यहूद सबसे आगे लेकिन उनकी शरीयत में भी हराम था सूद का मामला ये अलग बात है कि वो बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं आपस में सूद का मामला नहीं करेंगे बाकियों को समझते हैं कि जेंटाइल्स हैं जानवरों से भी बदतर है सूद खोरी भी करो उनके साथ इनके साथ इनसे सूद भी वसूल करो बाकी सब भी करो यहूदी आपस में नहीं करेंगे बाकी सबके साथ करेंगे लेकिन हरमत सूद की प्रोहिबिशन इंटरेस्ट की उनके अभी मौजूद थी सूर न की आयात एक सौ साठ और एक सौ इकसठ फबीन बात बस यहूद के जुल्म की वजह से हमने उन पर पाकिदा चीजें हराम की जो पहले उन पर हलाल थी एक अहम नुकता क्या है यह भी तस्कीर का या, या दिहानी का नुकतः है कि यहूद ने अल्लाह की किताब को पस से पुछ डाला अल्लाह के दीन के अहकाम को बदला सो मत यानी यहाँ तक कि अल्लाह की किताब में तहरीफ की जब यह नाफरमानियाँ की तो अल्लाह ने पाकिजा हलाल चीज़ें उन पर हराम कर दी सज़ा के तौर पर जब कौमें नाफ़रमानी बद उतरती हैं तो अल्लाह हलाल को या तो हराम कर देता है हराम का एक मतलब कि इस्तेमाल ही नहीं कर सकते और हराम का एक मतलब रोक दिया जाना भी अल्लाह उन महरूम कर देता है जो हलाल होती हैं। अब गंदम एक्सपोर्ट करने वाला उसको लाले पड़ जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाले बल पाकिस्तान उसको लाले पड़ जाए।, जाए तो ये हलाल भी अल्लाह भी जो नमतों के तौर पर होता है रोक देता है लोगों की नाफरमानियों की वजह से जिक्र आगे भी आ जाएगा इसका इनशाला खैर यह सुर की आयात एक सौ साठ एक सौ इकसठ आगे फरमाया फरमायाबी कथी रहा और इस वजह से कि वो अल्लाह के रास्ते से रोका करते थे बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते से रोकने में ये भी था कि लोगों के सामने हक पेश ना करना किताब को छुपाना उसमें तहरीफ करना हक बात को पोशीदा पुछ, रखना जैसे रसूल सलाम के दौर के यहूद को देखें वो जानते थे रसूल सलाम को कुरान पाक फरमाता है याफुन आरिफुन सुर बकरा की आयत एक सौ अड़तालीस है कम अपने बेटों की तरह हजूर को जानते सल की वजह से, से नबूत देकर कहां दे दी गई बनी इसमाइल में इस हसद की वजह से उन्होंने न सिर्फर को माना नहीं बल्कि अपने लोगों को भी हक से रोका इस वजह से भी वह हक के रास्ते से बनी इसराइल के यहूद रोकते थे अल्लाह ने उन पर पाकिदा चीजों को हराम करार दिया आगे फरमाया कि वह रेबा और इस वजह से वह सूद लिया करते थे सूद खोरी की वजह से भी हलाल चीजें अल्लाह ने रोक दी कोई समझना चाहे ना कि सूद खोरी के नतयज क्या होते हैं अल्लाह हलाल को भी रोक देता है नहमतों से महरूम कर देता है जिंदगी को अजीरन कर देता है आज ये सारे हालात हम अपने सामने देख रहे हैं यहूद के साथ भी हुआ फरमाया वह अकम और उनके सूद लेने की वजह से भी अल्लाह ने उन पर मुराद पाकि चीजों को हराम कर दिया वक़्त न और हालांकि वो इससे रोके गए थे यानी उनको भी सूद से मना किया गया था आज भी उनकी किताबों के असल मानने वाले या उनकी किताबों के अंदर ये जमले मिल जाएंगे लेकिन क्या है कि अल्लाह की किताब पर से पुष्छ डालकर हराम को उन्होंने हलाल कर डाला और सूद खोरी में मुबतला से बिलबातिल और लोगों के माल नाहक तोपा खाने की वजह से वह आतना दिल काफ्री नमीन आजाबी और उनमें से और हमने उनमें से काफरों के लिए दर्दनाक आजाब तैयार किया है ये आयत बता रही है कि सूद की हरमत अल्लाह के रसूल सलाम की शरीयत ही में नहीं पिछली शरीयतों में थी और यहूद का जिक्र करके इसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है अगली आयात है सूरतुलबकर की आयात दो सौ और दो सौ छिहत्तर ये वो आखिरी आखिरी आयात में से है जिनका नजूल नौ हिजरी में हुआ है सन नौ हिजरी में इन आयात का नजूल फरमाया जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं उठेंगे मुराद एक है क्यामत के दिन मगर जिस तरह उठता है वो शख्स जिसके हवास खो दिए हो शैतान ने छूकर जिसको शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो ये पागल पने की कैफियत सूतखोरों की और माल की मोहब्बत में डूबकर पागल बन जाने वालों की दुनिया में भी देखी जा सकती है अलबत् असल ये कैफियत इसका जहूर कहां होगा आखरत के अंदर अब ये भी जान लीजिए बंदा जिस हाल में दुनिया से जाता है उस हाल में खड़ा भी किया जा सकता है हादीस मुबारक में है एक बंदा हालत एहराम में हो, का अल्लाह होकर उसकी मौत आ जाए इसी हाल में उठाया जाएगा क्यामत के तहत तो सूद खोर है और आज पागल पने में मुबतला है इसी पागल पने की कैफियत के साथ खड़ा किया जाएगा कि जिसको शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो हवास बाखता कर दिया हो

तो ये भी तो तिजारत की तरह है लाख रुपए की एक प्रोडक्ट थी एक चीज थी मैंने एक लाख दस हजार की बेच दी दस हजार जैसे मैं प्रॉफिट या मुनाफा ले रहा हूं ऐसे ही मैं एक लाख रुपए उस पे सूद अगर ले रहा हूं तो फर्क क्या हुआ दोनों एक जैसे ही तो है बजाहिर लग रहा है यहां अल्लाह ने आगे कोई अकली दलील नहीं दी बाकी हर एक को पता है कि तिजारत रेड़ी वाले से लेके बड़ी बिजनेस या कंपनी चलाने वाले को भी पता है कि तिजारत किसे कहते हैं और महेश माल देकर बैठे रहकर कमाना किसे कहते हैं लेकिन मैं यहां कोई अकली दलील नहीं दे रहा रब ने कह दिया दैट्स इट अल्लाह ने हलाल किया तिजारत को और अल्लाह ने हराम किया सूद को रेबा को दैट्स इट यहां कोई हिम्मत नहीं बनती हमारी अखली दलील आपके सामने पेश करें वो अपने मकाम पर बयान हो जाएंगे तुम बंदे हो बंदे बनकर रहो अपनी अकल को नीचे रखो रब का हुक्म ऊपर रहेगा अल्लाह ने कहा कि तिजारत हलाल और उसने रिबा को हराम करार दिया आगे सुनिए नसीहत पहुंची उसके रब की तरफ से वो बाज आ गया तो उसके लिए है जो पहले ले चुका वह अमरूह और उसका मामला अल्लाह के हवाले है पहले का मामला तो खत्म डरता फिर भी रहे पकड़ा ना जाऊं तो, तो, तो करे लेकिन इसके बाद नहीं आगे फरमाया कि वन आदा और जो फिर सूतखोरी की तरफ लौटे फारोन तो वही लोग आग वाले हैं उसमें हमेशा रहने वाले हैं अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमाए फिर सूत खोरों का अंजाम कहां बता दिया गया आग के अंदर पहले भी जिक्र आया था आयत नंबर 130 में फिर यहां जिक्र आ रहा है आयत नंबर एक दो सौ पिछहत्तर में सूर्य अलबकरा की अगली आयत में जिक्र आया जो पहले भी इशारतन बात आई अलबकरा की आयत नंबर दो सौ छिहत्तर सन नौ हिजरी में इसका नुजूल यमहकल्ला रबा वदक़ात वब खुल्लाफारिटाता है सूद को और बढ़ाता है सदक़ को फिर वही बात आ गई सूद से माल बढ़ते नहीं बर्बादी आती है और सदक़ सदक़ात से मालों में इजाफा होता है अकल कुछ कहती है बात पहले आ गई अकल नीचे रब का हुक्म ऊपर रहेगा वह खिबल्ला कफ़ारन अफीम और अल्लाह तला ना शुक्र ना शुक्री करने वाले को गुनहगार को पसंद नहीं फरमाता आखिरी आयात हैं जिनका जिक्र गालिबन पिछले शिश में यहाँ कुरान अकेडमी डिफेंस में भी आया हो और मैंने पिछले जुमे जो खिताबें जुम्मत लाहौर कुरान अकैडमी वहाँ भी किया था लेकिन तस्कीर के तौर तो पर इन आयात का तर्जमा अल्बरा की आयात दो सौ अठहत्तर त दो सौ इक्यासी ये नज़ूल है सन नौ हिजरी में बिल्कुल आखिरी आखिरी आयात पहले वो कम्पाउंड एंट्रेस आया था ना सूद मरकब एक लाख दस फिर एक लाख बीस वो तो पहले आ गई अब लाख पे एक टके का इजाफा भी नहीं हो सकता असल जर, प्रिंसिपल अमाउंट पर एक रुपए का इजाफा नहीं हो सकता अगर तुम किसी को कर्ज दे रहे हो, वही सूद है उस सिंपल इंटरेस्ट की भी मुमानियत सूद मुफरत जिसे उर्दू में कहा जाता है या यूह लदीन तख्लाईमान का तकवा करो वह बकी अमीन रेबा और रिबा में से सूद में से जो कुछ रह गया उसे तुम छोड़ दो अगर तुम वाकआत ईमान वाले हो इस आयत के शुरू में ईमान का जिक्र आखिर में ईमान का जिक्र और फरमाए के डरो अल्लाह से सूद को छोड़ दो तो ईमान और सूद एक जगह जमा बोले भाई तो अगर सूद हो रही है तो ईमान नहीं हकीकी ईमान नहीं कलमा को मुसलमान तो होगा और अगर हकीकी ईमान है तो आदमी सूद से अपने आप को हर एतबार से बचाने की कोशिश करेगा आगे सुने फईल फाल रसूल बस अगर बाज नहीं आते अकबर तो तैयार हो जाओ जंग के लिए अल्लाह और उसके रसूल क्या मतलब होता है जंग का किसी एक फरीक की तो तबाही जीतने वाले को भी पापड़ बिलने पड़ते हैं और जब अल्लाह से जंग पर कोई आ जाए तो तबाही का आलम क्या होगा अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ये शदीद तरीन अल्फाज जो कुरने पाक में किसी गुनाह पर अमल के गुनाह पर एक होता है अकीदे का गुना वो तो बदतरीन शर्क है शदी तरीन अल्फाज और भी आए पाक में लेकिन अमल के गुनाहों में सबसे बढ़कर शिद्दत के साथ जिस जुर्म पर अल्लाह ने शदीन अल्फाजा फरमाए का मामला है फ़न हरबी में रसूल अगर सूद के मामला को नहीं छोड़ते बाज नहीं आते तो भी तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए हाँ अमाल और अगर तुम तोबा करते हो बाज आते हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है लाख दिए वो तुम ले सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट ला ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए तुम्हारा जुल्म किया तुम लाख पर दो चार रुपए भी ऊपर लो और तुम्हारे साथ जुल्म क्या हो जाएगा जिसने लाख लिया वो तुम्हारा लाख भी ना लौटाए ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए हाँ वह इनका नजिन फनादी रतुन इलाम और अगर मकरूज तंग दस्त है तो मोहलत देनी चाहिए सहूलत होने तक वह खैर तुम तम और अगर तुम बख्श दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो यानी बात को मजबूरी किसी की आ गई है तो माफी देने या उसको थोड़ा मोहलत देने की तोज्जो दिलाई गई और माफ कर दो तो अल्लाह तरमा ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगली आयत करीमा आखरत के बारे में और सैदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तुकी एक राय के मुताबिक नजूल की तरतीब में आखिरी आयत है जो नाजिल हुई नजूल की तरतीबे में आखिरी आयत है जो नाजिल हुई क्या वको योम तुरफी ही और डरो उस दिन से जिस दिन लौटाए जाओगे तुम सब अल्लाह सुबह की तरफ वफा कुल्लुन फिर पूरा पूरा, पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को उसका जो उसने कमाया और उन पर म नहीं किया जाएगा इस सूद की ममालियत की आखिरी आयात के बाद में ये आयत अल्लाह ताला ने कुरानी हकीम में इस मकाम पर आता फरमाई अल्बरा की आयत दो सौ इक्यासी टू एटी वन और असल बात यह है जब तक कल की जवाबदेही का एहसास ना हो बंदा कोई गुना छोड़ने को तैयार नहीं होगा और सूद जैसा गुना अगर आखरत का पुख्ता ना हो कल की जवाबदेही ना हो बंदे छोड़ने को तैयार नहीं होते अल्लाह हम सबको आखरत का यकीन अता फरमाए ये तो चंद मकामने पाक के जहां सूद की हरमत का जिक्र आया वह मैंने आपके सामने रखे मुख्तरा चंद अहादीस का फखत तर्जमा रख देता हूँ पहली हदीस से मुबारक सही मुस्लिम शरीफ में और हज़ाब रजी अल्लाह रावी हैं फरमाते है के रसूल्ला सल्ला वसल्म ने लानत फरमाई सूद लेने और सूद खाने वाले पर और सूद देने और खिलाने वाले पर और इसके लिखने वाले पर और इसके गवाहों पर और आप सल्लाम ने फरमाया ये सब बराबर है मुराद इस गुना में बराबर के शरीक है सूद लेने वाला देने वाला सूद का मामला लिखने वाला और इस पर गवाह बनने वाला लानत फरमाई रसूल ला आलम ने और लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना और इन चारों के बारे में हजूर फरमाते हैं गुना में बराबर के शरीक हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत अगली रवायत ये सुन अपने माजा में हिला देने का अंदाज मैंने पिछले जुमे में लाहौर मैज किया था कभी कभी किसी बुराई को हम समझ नहीं पा रहे होते तो कभी अल्लाह ताला कुरानी हकीम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस से मुबारक में ऐसी मिसाल देते हैं ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि आदमी हिल जाता है आप सल अल्लाह आल वसलम फरमाया सुनिबिन माजा की रिवायत सैद नाब हरेर रधी अल्लाह तबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सलाम ने फरमाया सूद खोरी के गुना के सत्तर हिस्से हैं सूद खोरी के गुना के सत्तर हिस्से हैं इनमें कम तरीन और मामूली तरीन ये है कि जैसे कोई अपनी मां के साथ मुंह काला करे कम तरीन यह है कि अपनी मां के साथ मुंह काला करे तो बकिया उनहत्तर हिस्सों की शिद्दत का मामला कहां पहुंचेगा इस एक मिसाल से अंदाजा किया जा सकता है अल्लाह हम सबकी हफाजत फरमाए नंबर तीन तीसरी हदीस मुबारक मुस्द अहमद में है यह भी हिला देने का एक अंदाज अहमद की सिवायत में हजरत बिन रजी अल्लाह कहते हैं कि फरमाया सूद का एक धर्म जिसको आदमी जान बूझ कर खाता है छत्तीस मरतबा जिना करने से ज्यादा गुनाह रखता है जिना तो बुरा लगता है ना सूद बुरा नहीं लगता तो हुजूर क्या फरमा रहे सूद का एक दरहम जिसको आदमी जानबूझकर खाता है छत्तीस मरतबा जिना करने से ज्यादा गुना रखता है अल्लाह अकबर इसी तरह एक रिवायत है सुनर अपने बाजा में महराज की शब का वाकया हजूराम को मुशाह कराएगा मुख्तलि नोयत के अबू हरे फरमाते रसूल ने फरमाया कि महराज की शब मेरा गुजर हुआ एक ऐसे गिरोह पर जिनके पेट घरों की तरह थे बड़े बड़े उनमें सांप भरे हुए हैं जो बाहर से नजर आते हैं मैंने पूछे ये कौन लोग है? उन्होंने ये सूद रहे हैं की ये नजर आ रहे होंगे एक और रिवायत है मुसद अहमद अच्छा की हजरत बिन जंदब रजी अल्लाह से रिवायत कहते हैं कि नबी अक्रम ने फरमाया महराज की रात मैंने देखा एक शख्स नहर में तैर रहा है और उसे पत्थरों से मारा जा रहा है मैंने पूछा यह क्या है मुझे बताया गया ये सूद खोने खो, सूद खाने वाला है नहर में तैरा पत्थरों से मारा जा रहा है मरेगा नहीं वहां मौत नहीं तुम मरेगा ना जियेगा अल्लाह हम सबको जहन्नम के आदार से बचाए और अल्लाह सूद की हर शक्ल से हम सबकी हिफाजत फरमाए बाकी तंजीम इस्लामी के तहत जैसे कि अर्ज किया गया कि इंसदाद सूद मुहिम मुस्तकिल जारी है ग्यारह सेप्टेम्बर तक जारी रहेगी इन आइंदा भी इस सवाल से मजीद गुफ्तु करेंगे अलबत्त अर्ज किया था इस वक्त एक बहुत बड़ी आजमाइश से मुल्क गुजर रहा है बहुत बड़ी आजमाइश बड़े पैमाने पर तबाही मुल्क का एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो इस वक्त जेर आब आ चुका है यह शदीद बारिशों का मामला और ये सैलाब की कैफियात का मामला जिंदगी अजीरन हो गई है आइए कुरानी हकीम की चंद आयात और जुमे का मकसद मैंने अर्ज किया था आयात कुरानी के जरिए तस्कीर और याद दहानी अल्लाह कुरानी हकीम में कहीं कहीं अपने कानून आदाब को बयान किया अल्लाह किन को हिदायत देता है किन को गुमराह फरमा देता है अल्लाह किन रहमत से नवाजता है किनको आदा में मुबतला करता है एक तो ये अंदाज़ आता है एक अल्लाह तयान में यह भी बताता है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं और उन आजमायशों में मकासद होते हैं सैलाबों का आ जाना तूफानों का आ जाना कहद का आ जाना एंड सो ऑन चुनाच चंद आयात करीमा अल्लाह ने कभी इशात फरमाया सूर आराफ आयत नंबर चौरानवे में वमा और फीकर यबीन बिल बरहर फरमाते जब कभी किसी बस्ती में इलाके में हमने किसी नबी को भेजा तो वहां के रहने वालों को हमने सख्तीयों में और तकलीफ़ों में पकड़ा मुबतला किया हकमत क्या है ला, ला ऊन ताकि ये लोग अल्लाह के हजूर रोए और गिड़ आजमाइशों का आना छोटे छोटे आदाबों का आना तंबी हाथ कहें उनका आना एक बड़ा मकसद क्या है लोगों के दिल नर्म हो और लोग अल्लाह के हजू रुजू करें और गिड़ गिड़ाएं हमारा हाल तो यह है ये कुरान अकेडमी डी एच ए कराची मस्जिद जामल कुरान पीछे समंदर जब कभी भी तूफान की कोई पेशनगोई होती है तो कौम सड़कों पर आकर खड़ी होती जरा लहरें तो देखे कितनी ऊँची उठेंगी जरा बीस समंदर तक तो, तो पहुंच जाए जहां तक खुशकी को खींच दिया गया है यहां पर कुछ इंतजाम कर दिया गया और अगर पुलिस वाले यहां पर बैरियर्स लगाते हैं तो मन चले नौजवान जो है वो लाते मारकर जाके समंदर पे खड़े होते हैं और विट्टी का निशान बनाते हैं इन्ना, लिल्लाही इन्ना इट अ पिकनिक टाइम अल्लाह अकबर कबीरा काली आंधियां चलती है, शदीद तूफानी बारिशें होती है, शदीद हवाएं चलती अल्लाह के पैगंबर हालत सजदा में होते और हम इन मौाकों पर पिकनिक बनाते हैं इना व वही लिहो राजे कुछ तहजीबें अल्लाह ने मिटा दी कुछ मकामा अल्लाह ने मिटा डाले पिछले अकवाम में आज हमने उन पर जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसिस के नाम पर बड़े बड़े फंक्शन मोइो दाड़ो ये सिंध गवर्नमेंट इसके करोड़ों रुपए वहां पर लगते हैं जना फंक्शन हो रहा है इन्ना दिल्ला टनो मट्टी तो निकाल लिए छटाक भर इबरत हासिल करने को तैयार नहीं होते बाहर लिए कैफियत आती अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी तरफ से आती हैं और इनमें मकसद क्या होता है लोगों के दिल नर्म हो लोग रोएं गिड़गड़ाएं अल्लाह सुभान व की तरफ रुजू करें इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल सजदा की आयत नंबर 21 में बानिए तंजीम इस्लामी डॉक्टर श्रा साहब रहमतुल्लाह अक्सर अपने دروس और खिताबात में इस आयत का हवाला दिया करते थे उम्मत को मुतवज करने के लिए अल्लाह तला फरमाते आयतम किस्म बल अनुदीक अकबर और हम इन्हें छोटे आदाब में जरूर मुबतला करेंगे बड़े आदाब के आने से पहले लाज ताकि लौटे अल्लाह की तरफ बड़े आदाब तो कौमों पर आए जब कौमें मिटा दी गई नू असलम सलाम सौराम लूत सामेबले कौमें मिटा दी गई कुरानी के लिए बार बार तस्करा है मगर उस बड़े आदाब से पहले भी छोटे छोटे आदाब जिसको मैं तंबीहा भी कह रहा हूँ आजमाइशे भी सूरत आयतर इकतालीस में सूरत आयतम इकतालीस में जिक्रयादिन खुश की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों के करतूतों की वजह से चखाएन ताकि करतूत नहीं कुरानी कम से कम दो मरतबा फरमाता है अगर हर, 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 हरकत पर पर आ एक जानदार जमीन पर अल्लाह ना छोड़े नहीं कुछ अमाल का मदा चखाए उस कुछ का मदा चखाने में हमत क्या है लाजी ओन ताकि लोग लौटे अल्लाह की तरफ रोए अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाए अल्लाह के हजूर पलटे अल्लाह के छोड़ गुनाहों को तोबा करें अल्लाह अल्लाह से करें अल्ला के हुदूर जुग जाएं। अपने की कर लें। इन तंबीहाद और में एक बहुत बड़ा मकसद ये भी हुआ करता है और कभी फिर आदाबों की कैफिया हैसठ ये भी अक्सर बानी तनजीम इस्लामी उस्ताद मोहतरम डॉब रहमत सुनाया करते थे Wallah, इस बात पर कादिर है तुम्हारे ऊपर से आदाब भेजे कुम या तुम्हारे नीचे से आदाब भेजे या अल्लाह तुम्हें गिरोहों में तकसीम कर दे देखा कुम्बाबाद और एक गिरोह की ताकत का मजा दूसरे को चखा दे तीन किस्म के आदाब ऊपर से नीचे से और गिरोह में तकसीम कर देना ऊपर से पत्थर भी अल्लाह ने बरसाया अलैहिस्सलाम की कौम पर शोले भी बरसाए अलैहिस्सलाम की शोब पर ऊपर से तूफानी बारिश भी आ गई नूह अलैहिस्सलाम की नूसल पर नीचे से अदाब लूत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर भी आ गया नीचे से आदाब फिरौन और आले फिरौन को गर्क कर दिया गया नीचे से आदाब सूरत में है जिक्र कानून को धंसा दिया गया ये हम पढ़ते हैं ना कुरानी हकीम में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी और दीगर मुफसरीन ने भी लिखा ऊपर से आदाब यह भी कि अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसलत कर दे कुछ कहने की जरूरत है ऊपर से आदाब जालिम किस्म के बॉसिस को अल्लाह ताला एम्प्लॉज पर मुसलत कर दे जालि किस्म के मालिक मालिकान को मुसलत कर दे ये ऊपर का आदाब यह भी होता है और नीचे का आदाब हुक्मरान है मगर आवाम उनके कंट्रोल में ना हो यह नीचे का आदाब है औलाद मां बाप के कंट्रोल में ना हो आपे से बाहर यह नीचे का आदाब हो सकता है इंप्लॉइस अपने मैनेजर्स के कंट्रोल में ना हो यह भी नीचे का आदाब हो सकता है ये बड़ा ब्रॉडर तीसरा क्या है अल्लाह के गिरोह में तकसीम कर दे और एक ही ताकत का मदा दूसरे को चका दे कराची वाले अच्छी तरह पिछले सालों को जानते कि नहीं पिछले दो तीन डेकेट्स में जो कुछ यहां पर हुआ है लिसानियत के नाम पर और मस्तक परस्सी के नाम पर और लाशों का गिरना को भुलाया हमने क्या उस चीज को यह अल्लाह के आदाबों की कैफियत है और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है ईद उल फितर पर भी कराम को और बहुत मसाजिद को कहना पड़ा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो किस तरह की जुबानी सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुल्क को तोड़ने की तरफ ले जाने की बातें तो नहीं हो रही और इस वक्त जो सियासत का मैदान सजावा क्या कहने की कोई जरूरत है मुझे लड़ाने भड़ाने की बातें यह भी देखें इस परस्पेक्टिव के अंदर के मुख्त नौत की कैफियात आदाब हुआ करते हैं तमबीहात हुआ करती आजमाइशें हुआ करती हैं आखिरी बात हम क्या करें आखिर तो एक तो तौबा की बात इस पर भी हम मुहिमात चलाते रहे कौम तो को मतवज करते रहे ना कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहां मिली मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे बंदा नवाज में सबके सामने झुक कर देख लिया आई एम एफ वर्ल्ड बैंक अमेरिका रशिया अरे सबके सामने झुक कर देख लिया एक अल्लाह की तरफ झुकने की कोशिश करो ना सजदा जिसे तू गिना समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को नजात और वह असल तौबा क्या है वो 12 अगस्त के जुमे में 14 अगस्त से पहले बात कर चुका हूं मुल्क लिया था इस्लाम के नाम पर गद्दारी की हमने अल्लाह ताला और उसके रसूल तसूल के साथ इससे आज हम मसाइब का शिकारें असल तोबा कौम की है कि अल्लाह के साथ किए गए वादे को पूरा करें और अल्लाह की शरीय को नाफिस करने की कोशिश करें अलबत् सर दस क्या हालत है सर दस हालत तो यह है कि हुक्मर हों जिनकी विफाक में हुकूमत है बस और उनके कुछ अलाइड हैं, उनकी इधर सिंध के अंदर उनकी पंजाब में और जनाब के पी में है। मगर इनके आप रोजमर्रा रोज के बयान देख लें, और इनका एटीट्यूड देख लें, और जो रस्सा कशी इकतेदार के लिए चल रही है माशा इतनी बड़ी तबाही मुल्क के अंदर है उसके बारे में उतनी सीरियस नहीं है जितना रोजमर्रा की बुनियाद पर इतदार की रस्सा कशी के लिए सीरियसली नजर आते हैं अल्लाह इनको भी हिदायत दे और अल्लाह कौम की आंखें खोल दे अल्लाह करे मैं और आप क्या करें मैं और आप अल्लाह का शुक्र करें बड़े आराम से ठंडे माहौल में बैठकर आप और मैं जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं जिनके घर ही बह चुके हैं क्या वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते शुक्र करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको नियमतों से नवाजा और हम उतनी मुश्किल में नहीं और उन भाइयों के लिए दुआ तो कम से कम कर सकते हैं अल्लाह में तोफी कता फरमाए और दुआ के साथ उनकी जो इमदाद हो सकती है वो हम करें तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जो हमारा अपना एक तंजीम की पॉलिसी का मामला है अलहमद एक हमारे कुदरती आफात फंड भी मौजूद है तंजीम इस्लामी के फक को तो मुस्तर मुतवज करेंगे कि हम अपने नजम और अपनी पॉलिसी के तहत जहां जहां हम कोशिश कर सकेंगे वो कोशिश करेंगे अलबत् अवास से अपील क्या है जहां आप हैं जिधर आप हैं जिस पर आपका एतमाद है आप उसको दीजिए अपने बच्चों से निकलवाइए पैसे मैं नहीं बेरा अपने बच्चों को बेटा अपनी पॉकेट मनी से निकालना अपने वो अल्लाह तोफी देगा वो पॉकेट मनी फिर मिल जाएगी उनको इन बच्चों की तरबियत करें खुदा घर वालों की तरबियत करें हम मजे के अंदर हैं इन मजों का एक शुक्राना यह है कि अल्लाह की इन नियमतों में दूसरों को शरीक कर लें और जब हार्ड टाइम्स हो तो फिर सेक्रीफाइस होती है जब मुश्किल हालात हो तो फिर इंसार का मामला होता है आम तो हमें कोई दस हजार रुपए अल्लाह की राम महाना दे रहे हैं ये हार्ड टाइम्स है भाई ज्यादा दे दो कोई सौ दे रहे थोड़ा ज्यादा दे दो कोई पचास दे रहे मैं हर एक के लिए बात करना चाह रहा हूं तो जिस इदारे पर आपको एतम आप देना चाहें दीजिए कोशिश करें कि हम अपने मुसलमान अपने भाई की हाजत को पूरा करने में लगा रहता है तब तक अल्लाह तसे बंदे की हाजत को पूरा करने में लगा रहता है हुक्मरानों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए एक महीने की तनख्वा काबीना के अफरा जो है वो अपनी दे देंगे आपकी

वो सेटल भी कल हो जाएंगे मगर आपका मेरा इम्तिहान इस वक्त क्या है जो मेरी मेरे पास में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि नहीं इन हालात को देख कर मेरा दिल नरम होता है कि नहीं मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूं कि नहीं और जो मेरे बस में है अपने इन भाइयों बहनों की मदद करना मैं उसमें अपना हिस्सा डालता हूं कि नहीं डालता यह मेरा और आपका दीनी मिली कौमी फरीजा बनता है इम्तिहान है उनका भी जिनके घर बह गए हैं और इम्तिहान उनका भी जिनके घर खड़े हुए हैं किसी का इम्तिहान शुक्र का होगा किसी का इम्तिहान सबर का होगा अल्लाह ताला हमें बंदों में शामिल रखे इस बड़ी आफत से तबाही सल्ला। बहुत बड़े पैमाने पर मामला फंसने चली गई हैं, और किस कदर इनको दोबारा सेटल करने के अंदर कितने अफर, आ, कितने वसाइल लगने हैं ये सूद की तबाही पर बात करने का मौका नहीं इस सूद की तबाही का अंजाम है आज हम और आप अपने बजट के अंदर एक हजार अरब रुपया भी रखने की पोजीशन में नहीं है मुल्क के मामला को चलाने के लिए हाँ हमने अपने बजट में चार हजार अरब रुपया रखा है सूद अदा करने के लिए दो से ढाई हजार अरब रुपया रखा है सूदी कर्जों की जो लोन है उन लोन्स को अदा करने के लिए मगर मुल्क के करने के लिए कुछ है ही नहीं ये भी सूद की तबाही का नतीजा लेकिन अल्लाह मुझसे मेरे बारे में पूछेगा और अल्लाह कहता है कि ला अल्लाह हर इंसान को उसकी उसकी के मुकल्लफ यानी है। हर साथी अपना हिस्सा डाले अपनी औलाद को लगाए जहां आपको, है, जहां आपको है। हम जर्नल, नहीं करते हमारा सेटअप भी महदूद है तो हम तंजीम इस्लामी के नजम के तहत तो अपने रफका को मोटिवेट करेंगे और जो बन पड़ेगा करेंगे आपका जहां एतम है जिन इधारों पर एतमाद हिस्सा डालें ये मेरा भी इम्तिहान है आपका भी इम्तिहान है इम्तिहान तो सबका है लेकिन देखने की उसकी नौयत क्या है और इस इम्तिहान में कौन अपना हिस्सा डालकर अल्लाह के यहाँ कामयाब होने की कोशिश कर रहा है आखर उद आवाना